सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, मैं अरबाब जहांगीर, आप देख रहे हैं प्रोग्राम व्यापार। और पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में आज जबरदस्त पेशरफ्त दिखाई दी है। एक मौके पर 1500 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा भी मार्केट में रिकॉर्ड किया गया था। 82,000 के इंडेक्स को मार्केट ने पहली बार टच किया, लेकिन फिर कुछ करेक्शन हुई है और मार्केट ऑलमोस्ट 81,400 से ज़ायद की सतह पर क्लोज हुई है, जो कि पिछले 2-3 हफ्तों के ट्रेंड को अगर देखें तो खासा पॉजिटिव एक ट्रेंड है। पिछले 2-3 रोज़ से मार्केट में कारोबार की सूरत हाल खासी बेहतर रही है और ये जो एक अचानक आज ये तेज़ी दिखाई दी है, इकोनॉमिक इंडिकेटर्स वक्त पाकिस्तान के आहिस्ता आहिस्ता एक मजबूत समत की जाने बढ़ रहे हैं। जो IMF का प्रोग्राम है वो भी अब पाकिस्तान को मिलने के बहुत करीब है, चूंकि अगले एग्जीक्यूटिव बोर्ड में जो कि 25 सितंबर को होना है इजलास, उसमें पाकिस्तान का नाम शामिल हो चुका है। तो ये सारी चीज़ें मिलकर इस वक्त पाकिस्तान की इकोनॉमी को मजीद कितना आगे लेकर जा सकती हैं, खास जो स्टॉक मार्केट की परफॉर्मेंस है ये क्या रोल प्ले कर सकती है, इस पर हम गुफ्तगू करेंगे। नुमान अब्दुल मजीद साहब हमारे माशियात हमारे साथ मौजूद हैं। नुमान साहब, बहुत शुक्रिया सर प्रोग्राम के लिए आपने वक्त निकाला। IMF प्रोग्राम की तरफ हम आते हैं, लेकिन ये जो इस वक्त स्टॉक मार्केट में हमें एक बूम नजर आ रहा है, कल भी हमने देखा अच्छा खासा पॉजिटिव रही मार्केट और आज 81,000 के इंडेक्स को भी पूरा किया, अपने ऑल टाइम हाई की तरफ जा रही है, कितनी हौसला अफजा बात है ये पाकिस्तान में सरमायाकारों के लिए और उनके एतमाद के लिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें स्टॉक मार्केट पहला इंडिकेटर होता है लोकल या फॉरेन इन्वेस्टमेंट का, क्योंकि जाहिर है कि एक लिक्विड इन्वेस्टमेंट है, आप जब चाहें बेच सकते हैं। जब इस इन्वेस्टर का स्टॉक मार्केट में कॉन्फिडेंस बहाल होता है तो ऑटोमेटिकली फिर वो लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स की तरफ भी जाता है। तो स्टॉक मार्केट इज द फर्स्ट स्टेप। तो अगर फॉरेन इन्वेस्टर्स ही बाई कर रहे हैं, लोकल इन्वेस्टर्स ही बाई कर रहे हैं, और जैसा कि हम जानते हैं कि कॉर्पोरेट अर्निंग्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग रही हैं स्टॉक मार्केट की, तो हम उम्मीद कर सकते हैं कि ये स्टॉक मार्केट का मोमेंटम भी रहेगा बरकरार, कॉर्पोरेट अर्निंग्स भी बेहतर होती रहेंगी, और बेसिकली उम्मीद कर सकते हैं कि इसके बाद ये फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट जो अभी आ रही है, इसके बाद एक सर्टेन लेवल पर जाके FDI का भी सिलसिला शुरू होगा। अगर इसको हम IMF के प्रोग्राम के कॉन्टेक्स्ट में देखें तो जाहिर है कि IMF ने ओके कर दिया है। बायलेटरल से भी पाकिस्तान को कुछ हौसला अफजा चीज़ें मिली हैं, ऑल्दो को पाकिस्तान को इसके लिए काफ़ी एक्सपेंसिव कमर्शियल बॉरिंग करनी पड़ी है, लेकिन मैं समझता हूँ कि टेम्प्रेरी मेजर्स हैं और होपफुली विद इन नेक्स्ट 6 to 8 months जो है सूरत हाल में बेहतरी की गुंजाइश है। ठीक है, लेकिन IMF का प्रोग्राम जाहिर है बहुत सारी यकीन दहानियों के बाद अब कन्फर्म होने जा रहा है। 3 ममालिक ने रोल ओवर्स कर दिए, लेकिन इन रोल ओवर्स का मतलब जो अभी जो करंट सिचुएशन में चैलेंजेस थे शायद वो तो उस तरीके से ना हो, लेकिन वो अपनी जगह पर मौजूद तो हैं कि हमारी इकोनॉमी अगले 6-8 माह में या 1-1.5 साल में इतनी स्ट्रेंथन तो नहीं हो सकती कि हम वो पेमेंट्स बड़ी आसानी के साथ कर सकें अगले 2-3 साल में भी? देखें, 2-3 साल के लिए तो हमें एक मजबूत प्लान बनाना होगा। जैसे कि मैं हमेशा यही कहता हूँ कि पाकिस्तान को 3 से 5 साल का एक प्लान चाहिए इस IMF के चुंगल से निकलने के लिए। अनफॉर्चुनेटली अब तक हमारी कोई भी गवर्नमेंट वो 3 से 5 साल का एक प्लान क्रिएट नहीं कर सकी। अगर अभी भी हमारे पास ये बात हो रही है कि क्या हम IMF का प्रोग्राम जो है उसके बाद अगला IMF का प्रोग्राम लेना पड़ेगा कि नहीं लेना पड़ेगा, लेट्स होप हम उम्मीद ही कर सकते हैं सिर्फ कि अगर हमारा रेमिटेंसेस की में ग्रोथ का मोमेंटम बरकरार रहता है, रुपी स्टेबल रहता है, तो उम्मीद है कि FDI का सिलसिला भी शुरू हो जाएगा। अगर रेकोडेक वगैरह में अगर कुछ इन्वेस्टमेंट आती है और इसी किस्म के कुछ और प्रोजेक्ट्स में भी इन्वेस्टमेंट आती है, तो अगर FDI आ जाती है, रेमिटेंसेस इंप्रूव करती हैं, तो उम्मीद कर सकते हैं कि 2 से 3 साल के अंदर शायद हमें IMF के एक और प्रोग्राम में ना जाना पड़े। लेकिन उसके लिए एक बड़ी कॉम्प्रिहेंसिव किस्म की प्लानिंग करनी होगी। जैसे कि मिसाल के तौर पर अभी आप ये देखें कि कॉटन की जो पैदावार है बहुत ठीक ठाक कमी आई है उसके अंदर, तो आपको कॉटन मिल्स अगर इम्पोर्ट करनी पड़े फॉर एग्जाम्पल और टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए, तो ये एक बहुत बड़ा एडिड प्रेशर होगा बजट हमारे फॉरेन करंट अकाउंट के ऊपर और ट्रेड डेफिसिट के ऊपर अगर हमें जो कॉटन बेस को इंपोर्ट करना पड़ गया। इसी तरह अभी हमारे जो टैक्सेशन के हवाले से भी बहुत सारे सेक्टर्स के अंदर अनसर्टेनिटी है, एक्सपोर्ट ओरिएंटेड सेक्टर्स के अंदर भी, तो अगर हम IMF IT के सेक्टर जिसमें हमारा बड़ा इन्हिसार है उसको अगर हम बूस्ट नहीं कर सके, नेक्स्ट लेवल पर नहीं लेके जा सके, तो उसका क्या होगा? तो मैं समझता हूँ कि ये अभी एक उम्मीद की एक किरण ही सिर्फ जागी है अभी, लेकिन अभी अगले 1 साल के अंदर सिनेरियो क्लियर होगा कि हम किस डायरेक्शन में जा रहे हैं। लेकिन अगर जैसा कि मैंने कहा कि रेमिटेंसेस में इंप्रूवमेंट आती रहती है, कॉर्पोरेट अर्निंग्स बहाल रहती हैं और FDI का सिलसिला शुरू होता है, और जो हम लेकिन उसके साथ एक बहुत बड़ा मसला ये है कि गवर्नमेंट कितना पैसा मार्केट में डालेगी, क्योंकि अभी जहाँ IMF के प्रोग्राम की बात हो रही है वहाँ पर 650 अरब के गालिबा एक मिनी बजट की भी बात हो रही है। तो अगर मिनी बजट आएगा, ऑलरेडी आप जानते हैं कि मार्केट में पैसा अवेलेबल नहीं है, रोलिंग रुकी हुई है, तो आम कारोबारी हो सकता है कि मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी तो अचीव कर लें, लेकिन जो माइक्रो इकोनॉमिक लेवल पर, बिजनेस लेवल पर, मार्केट के लेवल पर आम आदमी के हालात कैसे बेहतर होंगे, इसका भी हुकूमत ने कोई प्लान कौम को देना होगा। सही, लेकिन नुमान साहब, जो माइक्रो लेवल पर इस वक्त फिगर्स हमें दिखाए जा रहे हैं कि इस वक्त महंगाई आ गई है सिंगल डिजिट में, हमने 2%
जो इंटरेस्ट रेट है उसमें भी कमी कर दी है, जबकि वो डिमांड लोगों की इससे भी ज़्यादा है कहीं, और ऑन ग्राउंड रियलिटी भी शायद काफ़ी हद तक इससे मुख्तलिफ हो कि वो सिंगल डिजिट वाली महंगाई तो लोग इस वक्त नहीं बर्दाश्त कर रहे, उन पर तो बहुत ज़्यादा बोझ है। तो ये इनको स्टेबल रखना और या इनमें मज़ीद कमी के लिए फिर क्या कुछ स्टेप्स करने होंगे, और स्टेप्स भी ऐसे कि जो ऑन ग्राउंड एक चेंज का एक मंजर भी दिखाए ना, या सिर्फ वो कागज़ों की हद तक तो ना हो वो चेंज। देखें सबसे जैसे हमने इन्फ्लेशन की बात की ना, 200% इन्फ्लेशन यानी चीज़ों के दाम 3 गुना हो जाएं, और उसके बाद अगर इन्फ्लेशन 9% या 10% में भी आ जाए तो उसका मतलब है कि 100 की चीज़ 300 की हो गई, और उसके बाद साल के सिर्फ 30 रुपये बढ़ेंगे। लेकिन बात ये ना, 100 की चीज़ 300 की तो हो गई ना, तो अभी तो लोगों के पिछले सालों में जो लोगों पर महंगाई का बोझ पड़ा है, प्लस उसके साथ जो टैक्सेस का बोझ पड़ा है कंबाइन टुगेदर, प्लस जो इलेक्ट्रिसिटी का बिल्स का बोझ पड़ा है, और उसके साथ साथ इकॉनमी में जो स्लो डाउन आया है, तो एक तरफ लोगों की आमदनियाँ कम हुई हैं, चाहे वो तनख्वाहदार तबका हो चाहे ये बिजनेसमैन हो, और साथ साथ एक्सपेंसेस बेतहाशा बढ़ गए हैं। तो अभी तक तो ऐसा कोई इंडिकेशन गवर्नमेंट की तरफ से नहीं आया। नुमान साहब, अभी आपने भी जिक्र किया कि ज़ाहिर इम्कानात हैं कि मिनी बजट लेकर आया जाए, तो ये मिनी बजट जब भी आता है तो उसमें टैक्सेस की भरमार होती है, उसमें फिर बढ़ती हुई महंगाई का बोझ आवाम पर लाद दिया जाता है। तो ये इस वक्त जो एक FBR को रिफॉर्म्स करनी थी, टैक्स रिफॉर्म्स, वो तो हम कामयाब होती नहीं देख रहे हैं, तो ये मिनी बजट लाने की क्या वजूहत हो सकती हैं, जबकि सारे इंडिकेटर्स तो हम पॉजिटिव देख रहे हैं इकॉनमी के। देखें हमारे जो टैक्स बेस है ना वो बहुत लो है, और एज वी हैव डिस्कस बिफोर के पाकिस्तान में कभी भी जो है कुछ सही मानों में टैक्स रिफॉर्म आ नहीं सकें कि जिसके ज़रिए से टैक्स के ब्रॉडनिंग हो। अब आप देख लें पिछले 1.5-2 साल के अंदर भी जो भी टैक्सेस लगे हैं वो सब किस पर लगे हैं, वो उन लोगों पर लगे हैं जो कि ऑलरेडी जो है टैक्स नेट के अंदर मौजूद है, तनख्वाहदार तबका हो गया, सेल टैक्स, ये सारी चीज़ें जो वो लोग हैं जो ऑलरेडी टैक्स दे रहे हैं, जो लोग टैक्स नहीं दे रहे उन पर कोई टैक्स नहीं लगा। अब ये कहा जा रहा है कि मनी बजट में उन लोगों पर हाथ डाला जाएगा जो कि टैक्स नेट से बाहर है, लेकिन ऐसा आज तक कभी हुआ नहीं है। तो जब ये मिनी बजट आएगा तभी हम कह सकेंगे कि वाकई ऐसा किसी लोगों पर डाला नहीं गया। लेकिन एक चीज़ इंपॉर्टेंट ये है कि जो सिस्टम के अंदर जो लिक्विडिटी अवेलेबल होती है वो लिक्विडिटी परचेजिंग पावर की फॉर्म में इस वक्त गवर्नमेंट ने जो है वो एब्जॉर्ब कर ली है टैक्सेस की फॉर्म में इंडिविजुअल से, और जो बैंकिंग सिस्टम में जो लिक्विडिटी अवेलेबल है 80-90% जो बैंक की जो लेंडिंग है वो गवर्नमेंट को हो रही है, प्राइवेट सेक्टर बोरो नहीं कर रहा। तो अगर 80-90% गवर्नमेंट बोरो करेगी तो बैंक्स को क्या जरूरत पड़ी है कि वो जो है ना पैसा मार्केट के अंदर लगाएंगे। सिमिलरली आम आदमी के पास वैसे ही पैसा खर्च करने के लिए नहीं है, तो बेसिकली जो इकोनॉमिक एक्टिविटी क्रिएट करनी है ताकि लोगों के लिए रोजगार क्रिएट हो, आप जाके सब मार्केटों के हालात जाके देखें ना क्या सूरत हाल है, किस कदर बिजनेस में स्लो डाउन है, महंगाई अपनी जगह है, स्लो डाउन बेतहाशा है। आप किसी मार्केट में चले जाएँ, मार्केट खाली पड़ी हुई, कोई ख़रीदार नहीं है। तो कहने का मकसद ये है कि इकॉनमी का जो ग्राउंड लेवल पर जो पहिया है ना वो रुका हुआ है। तो माइक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी बहुत अच्छी चीज़ है, वी ऑल अप्रिशिएट दैट, लेकिन इसके साथ साथ जो है माइक्रो लेवल पे आम ग्राउंड लेवल पे भी इकोनॉमिक एक्टिविटी क्रिएशन की कोई स्ट्रेटजी होनी चाहिए जो कि अभी तक हमें नज़र नहीं आई। तो अब ये इसका लाइन ऑफ एक्शन क्या हो सकता है, इसका प्रोसेस क्या हो सकता है? नुमान साहब, हम जब स्टॉक मार्केट को अपने ऑल टाइम हाई पर जाते देख रहे हैं, इंटरेस्ट रेट में भी ग्रेजुअली कमी आ रही है, पेट्रोल में भी अगर पिछले 3-4 रिव्यूज़ हम देखें तो 57-58 रुपये फी लीटर की कमी आई है, IMF प्रोग्राम भी हमारा अप्रूव हो गया है, $3 बिलियन की एक्सपोर्ट्स भी हम बढ़ाने में कामयाब हो गए हैं, और काफ़ी ऐसे पॉजिटिव इंडिकेटर्स हैं जो कि हमें रोज़ाना की बुनियाद पर खबरों की सूरत में सुनने को मिल रहे हैं, इसका इफेक्ट नीचे तक क्यों नहीं जा रहा है, एक आम आदमी तक इसके समरात या असरात क्यों नहीं पहुँच पा रहे हैं? उसकी वजह ये है कि एक तो ये उसकी वजह है कि इसके जो नीचे तक पहुंचने में टाइम लगता है। अब वो टाइम कितना लगता है, इसका टाइम आपको शायद 1 साल भी लग सकता है, 2 साल भी लग सकता है, इट कुड टेक एनी अमाउंट ऑफ टाइम। अब जब कारोबारी अफराद मुझसे अगर ये पूछते हैं कि आपको क्या लगता है कब तक ये माइक्रो लेवल पर इकोनॉमिक स्लो डाउन रहेगा, उनसे जब हम ये कहते हैं कि 1-2 साल, तो वो तो बेचारे परेशान हो जाते हैं कि वैसे ही हमारे हालात इतने ख़राब हैं, अगर 7-2 साल मजीद ये सूरत हाल रही तो कैसे काम चलेगा। तो आप देखें कि अभी तो हमने IMF का प्रोग्राम शुरू किया है, IMF के टारगेट्स मीट होंगे, फिर IMF के रिव्यूज़ होंगे, तो आवाम को सवाल ये पैदा होता है ना, आवाम को अब रिलीफ कैसे दे सकते हैं, या तो आवाम को टैक्सेस की फॉर्म में रिलीफ दे सकते हैं, लेकिन टैक्सेस कैसे कम होंगे जब तक कि आपकी टैक्स बेस बढ़ेगी नहीं। अच्छा, इकॉनमी भी स्लो डाउन का शिकार है, तो स्लो इकॉनमी के अंदर जो है आप कैसे टैक्स के वॉल्यूम्स को बढ़ाएंगे। सिमिलरली अभी तक आपके जो इंटरेस्ट रेट्स हैं वो 17.5% इज़ ऑल्सो टू हाई, तो गवर्नमेंट जो है अभी भी बहुत बड़े पैमाने पे जो है वो बैंकिंग सेक्टर से बोरोइंग कर रही है। तो अगर गवर्नमेंट को जो ये जो पॉलिसी रेट्स उसको एग्रेसिवली कम करना होगा, सिमिलरली टैक्स रेट्स को कम करना होगा, तनख्वाहदार तबके से भी, बिजनेसमैन से भी, और एग्रेसिवली टैक्स बेस को बढ़ाना होगा। उसके लिए जो जरूरी है कि जो इकॉनमी है उसकी डिजिटलाइजेशन हो। चाइना ने, सऊदी अरेबिया ने, UAE ने जो अपनी टैक्स बेस को बढ़ाया, आप देखिए कि इन कंट्रीज में, गल्फ कंट्रीज में
पहले टैक्सीज नहीं हुआ करते थे, लेकिन जो उन्होंने टैक्सीज को इंट्रोड्यूस कराया तो पूरा टैक्सीज का सिस्टम वो डिजिटल रखा है। दुनिया भर में इसी तरीके से हो रहा है कि इकॉनमी को है वो डिजिटाइज किया जा रहा है। पाकिस्तान के अभी तक मैनुअल इकॉनमी, हमारा FDR का सिस्टम ठीक है, कुछ रिटर्न वगैरह फाइल कर लेते हैं, लेकिन हमारे जो POS की डिप्लॉयमेंट है, डिजिटल पेमेंट है, ये बहुत स्लोली स्लोली आगे बढ़ रहे हैं। कहने का मकसद ये है कि हमें डिजिटल इकॉनमी के थ्रू जो है अपनी टैक्स की बेस को बढ़ाना होगा, टैक्स के रेट्स को कम करना होगा। देखिए टैक्स रेट्स कम करके और साथ साथ टैक्स की जो है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को टैक्स नेट के अंदर लाना होगा, वरना इकोनॉमिक एक्टिविटी क्रिएट होगी नहीं। उसका नतीजा ये निकलेगा जो फॉर्मल सेक्टर है पाकिस्तान का, फॉर्मल सेक्टर श्रिंक होता जाएगा, इनफॉर्मल सेक्टर बढ़ता रहेगा। और FDI अगर हम लाना चाहते हैं, फॉरन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, तो FDI के लिए ज़रूरी है कि आप जो है फॉर्मल सेक्टर को जो है वो इम्प्रूव करें, उसको बढ़ाएं, उसको इंक्रीज करें, और फॉर्मल सेक्टर में बिजनेस करना कॉम्पिटिटिव हो, वो फीजिबल हो। अगर 40-50% पे जो है बल्कि अगर डिविडेंड टैक्स वगैरह को मिलाएं तो 50% से ऊपर आपका टैक्स रेट निकल जाता है। ये कॉर्पोरेट टैक्स की बात कर रहा हूँ, सेल टैक्सेस के अलावा है, क्योंकि इतने हाई टैक्सेस में कैसे फॉरन डायरेक्ट इन्वेस्टर आके पाकिस्तान में कारोबार करेगा, फीजिबिलिटी उसकी बनाना बहुत मुश्किल हो जाता है। एक चीज़ शायद जो हमारे लोगों को आज तक समझ में नहीं है वो ये है कि FDI सिर्फ ताल्लुकात के बेस पे नहीं आती, आपके बिजनेस का फीजिबल होना भी बहुत जरूरी है। अच्छा। फीजिबिलिटी के लिए टैक्सेस हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। आप कराची के इंफ्रास्ट्रक्चर की हालत देख लें कि आपका सबसे बड़ा शहर है, इकोनॉमिक हब है, वहाँ दुनिया का बदतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है, तो कौन इन्वेस्टर यहाँ पे आके पैसा लगाएगा, इन्वेस्ट करेगा? तो ये सारी चीज़ें हैं जिस पे एक मजबूत स्ट्रैटेजी नहीं होगी ना, इस पर टोटल फोकस हमारा जो है वो कई सालों से अनफॉर्चुनेटली है कि वो है सिर्फ IMF हमें किसी तरीके से बेल आउट कर दे और हमें हमारे जो दोस्त मालिक है वो हमें रोल ओवर प्रोवाइड कर दें। सही। उसके बाद मतलब ये फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की तरफ भी हमारा जो बहुत ज़्यादा फोकस रहता है, अगर हम अपने लोकल इन्वेस्टर को ही स्ट्रेंथन करें, उन्हें अगर फैसिलिटेट करें और वो तमाम पर्क्स एंड प्रिविलेजेस जो हम अपने फॉरेन इन्वेस्टर्स को अगर ऑफर करते हैं, वो सब कुछ अगर हम लोकल इन्वेस्टर को प्रोवाइड करें, तो कितनी बड़ी गेम चेंजिंग ये हो सकती है। अभी हम देख रहे हैं कि जब PIA को या दीगर इदारों को हम प्राइवेटाइज करने जा रहे हैं तो सारे लोकल इन्वेस्टर्स ही मैदान में है ना, कोई बाहर से तो आकर नहीं इन इदारों को खरीद रहा, तो अपने लोकल इन्वेस्टर पर क्यों नहीं हम ट्रस्ट करते हैं? अभी देखिए ये भी एक अनफॉर्चुनेट चीज़ है कि पाकिस्तान में हमेशा जो है ना दो चीज़ों पर बहुत तवज्जो दिया गया, एक है सिर्फ एक्सपोर्ट्स और दूसरा है आपका फॉरेन इन्वेस्टर। एक्सपोर्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, अच्छी चीज़ है, लेकिन आपकी जो लोकल इकॉनमी, लोकल प्रोडक्शन फैसिलिटीज़ हैं, लोकल मार्केट, अमेरिका की इकॉनमी को देखें ना, अमेरिकन इकॉनमी चलती है वो लोकल कंजम्पशन पे चलती है। अब सऊदी इकॉनमी की देखिए, दुनिया की सारी बड़ी इकॉनमीज लोकल कंजम्पशन पे चलती है, लेकिन हमारे यहाँ लोकल इंडस्ट्री को प्रमोट नहीं किया जाता। लोकल इंडस्ट्री को प्रमोट करने के लिए मिसाल के तौर पर आपको स्पेशल इकोनॉमिक जोन चाहिए। एक ज़माना हो गया हम स्पेशल इकोनॉमिक जोन की बात करें, लेकिन आज तक वो स्पेशल इकोनॉमिक जोन नहीं बन सके, बल्कि आप तो IMF ने कह दिया कि मजीद स्पेशल इकोनॉमिक जोन बना ही नहीं सकते। बिल्कुल। मुझे समझ में नहीं आता कि आप लोकल इंडस्ट्री को प्रमोट कैसे करेंगे, उनको इंसेंटिव कैसे देंगे। इस वक्त तो एक टैक्सेस की भरमार है, अगर आप समझ जाए ना कि अगर फॉर एग्जांपल टैक्स और सुपर टैक्स और डिविडेंड टैक्स मिला के 55% कॉर्पोरेट टैक्स अगर बनता है किसी बिजनेस के ऊपर, वो फॉर्मल सेक्टर में अगर ऑपरेट करता है तो 45% उस गरीब आदमी के लिए बच जाता है। तो भाई इकोनॉमिक स्लोडाउन के अंदर अगर 55% आप गवर्नमेंट को दे देंगे तो आप बिजनेस कारोबार क्या करेंगे? तो कारोबार की जो फीजिबिलिटी है ना पाकिस्तान के अंदर, चाहे लोकल इन्वेस्टर हो फॉरेन इन्वेस्टर हो, वो फीजिबल नहीं रहा पाकिस्तान में कारोबार करना। इसीलिए इकोनॉमिक प्लानिंग जो होती है, इकोनॉमिक प्लानिंग सिर्फ माइक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलाइजेशन की हद तक नहीं होती। इकोनॉमिक प्लानिंग का मकसद ये होता है कि होलिस्टिक व्यू लिया जाए और ये देखा जाए कि किस तरीके से हम ग्राउंड लेवल पर इकोनॉमिक एक्टिविटी को क्रिएट कर सकते हैं, जॉब क्रिएट कर सकते हैं। और ये प्लानिंग हमेशा सेक्टर स्पेसिफिक होती है कि फॉर एग्जाम्पल अगर हमने एक्स सेक्टर को जो है बढ़ाना है, मिसाल के तौर पर आपको मैंने कॉटन की मिसाल दी कि कॉटन की बेल्स की प्रोडक्शन बहुत खराब हुई है इस मतलब, तो भाई अगर कॉटन खराब होगी तो टेक्सटाइल के सेक्टर कैसे चलेगा इंपोर्टेड कॉटन के ऊपर? अगर आप IT एक्सपोर्ट्स को $20-25 बिलियन पे लेके जाना चाहते हैं लेकिन आप हायर एजुकेशन पर अगर इन्वेस्ट ही नहीं कर रहे तो वो IT एक्सपोर्ट्स कैसे हायर आपकी इंप्रूव होंगी? अगर आप टूरिज्म पे बेसिकली टूरिज्म रेवेन्यूज को बढ़ाना चाहते हैं लेकिन आपके पास कोई टूरिज्म स्ट्रेटजी नहीं है तो कौन टूरिस्ट आएगा? टूरिज्म के लिए आप होटल्स के लिए कोई इंसेंटिव नहीं दे रहे या होटल्स बना नहीं रहे या आप उसकी प्रॉपर टूरिज्म की मार्केटिंग नहीं कर रहे तो कौन से टूरिस्ट दुनिया भर से आएंगे? ये सारी चीज़ें अनफॉर्चुनेटली हमारे पास सबसे बड़ा मसला रहा है कि हमारे पास होलिस्टिक इकोनॉमिक प्लानिंग नहीं रही है। हमारी इकोनॉमिक प्लानिंग कई सालों से बल्कि कई दिहाइयों से जो है ना अब तो वो सिर्फ IMF के चक्कर लगाती रहती है कि किसी तरह हमें IMF से आशीर्वाद मिल जाए, IMF से लोन मिल जाए और हम जो है उसी पे जो है ना खुदा का शुक्र अदा करते हैं कि IMF ने हमें लोन हमारा अप्रूव कर दिया है। इसके आगे हमारी सोच अभी तक जा नहीं सकी। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया नुमान अब्दुल मजीद साहब, हमारे साथ मौजूद थे हमारे माशियात और के IMF का एक प्रोग्राम इस वक्त तो पाकिस्तान के लिए बहुत ज़रूरी है, लेकिन अगले 2-3 साल में पाकिस्तान को इस तरह की मजबूत प्लानिंग करनी होगी कि फिर आने वाले दौर में IMF से न सिर्फ छुटकारा मिल सके बल्कि पाकिस्तान की इकॉनमी अपने पैरों पर मजबूत तरीके से खड़ी हो सके। बहुत सारे मुश्किल स्टेप्स लेने हैं, लेकिन अब देखते हैं कि ये हुकूमत कितनी इन स्टेप्स को लेने में संजीदा। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, कुछ और अहम सेक्टर्स की मजीद अपडेट्स आपसे शेयर करेंगे।
एक बार फिर आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहेंगे। अक्वामे मुत्तहिदा के ई इंडेक्स में पाकिस्तान की 14 दर्जे बेहतरी हुई और ई गवर्नेंस की इस लिस्ट में पाकिस्तान 150वें से 136वें नंबर पर आया है। और इसके साथ साथ जो अगस्त में आईटी की बरामदात है उसमें भी रिकॉर्ड इजाफा हुआ, 298 मिलियन डॉलर तक पहुंची और अगले चंद सालों के जो टारगेट्स इस वक्त पाकिस्तान में सेट किए जा रहे हैं हाई एप्स की जानिब से, वो ये कहा जा रहा है कि अगले 3 से 4 साल में ये इंडस्ट्री 25 अरब डॉलर तक पहुँच जाएगी। लेकिन क्या वाकई एक रियलिस्टिक फिगर है, और अगर इस फिगर तक जाना है तो वो कौन से स्टेप्स होंगे जिनको गवर्नमेंट को फौरी तौर पर उठाना पड़ेगा? इस वक्त जो बैन अवी सतह पर पाकिस्तान की इस रैंकिंग में बेहतरी आई है, इसके क्या असरात इस वक्त मुल्क की सतह पर मुरतब हो सकते हैं? डॉक्टर सुहेल मुनीर साहब आईटी एक्सपर्ट हैं, हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब प्रोग्राम के लिए आपने वक्त निकाला। अब ये जो ई गवर्नेंस में इस वक्त पाकिस्तान की जो दर्जाबंदी है उसमें 14 दर्जे की बेहतरी आई है, ये एक अलामती सी लिस्ट होती है, इसकी क्या सिग्निफिकेंस है और इससे आईटी की एक्सपोर्ट पर या ओवरऑल इंडस्ट्री पर कोई खातिर ख्वाह फर्क पड़ सकता है? अस्सलाम वालेकुम सर। देखिए, सबसे पहले तो हम आज इस दुनिया में रह रहे हैं, डिजिटल हमारी ज़िंदगी के हर एस्पेक्ट को, डिजिटल टेक्नोलॉजी जो है वो टच कर रही है, वो उसे इम्पैक्ट कर रही है। जब हम डिजिटल की बात करते हैं तो हम ये देखते हैं कि 3 एरियाज़ हैं जहाँ पे इसका इम्पैक्ट होता है। एक है डिजिटल सोसाइटी, मैं और आप, हम एक डिजिटल सोसाइटी में रह रहे हैं, हम सोशल मीडिया यूज़ कर रहे हैं, हमारी जो रोज़मर्रा ज़िंदगी है उस कम्युनिकेट कर रहे हैं, वो उससे इम्पैक्ट हो रही है। दूसरा है डिजिटल इकोनॉमी। डिजिटल इकोनॉमी ये है कि मैं मिसाल के तौर पे एक किसान है, वो एक डिजिटल मार्केट प्लेस के ज़रिए अपनी प्रोडक्ट जो है वो डायरेक्ट फार्म टू मार्केट लेके जा सकता है। मैं ऐसे टीनेजर्स को पाकिस्तान में जानता हूँ छोटे शहरों से, जो कि वहाँ से प्रोडक्ट लेके अमेजोन के ऊपर US के अंदर उन्होंने अपने स्टोर्स बनाए और बेच रहे हैं, राइट। एक बच्चे को मैं जानता हूँ, वो क्या कहते हैं, सियालकोट से क्या कहते हैं, नॉर्मल रेस्लिंग वगैरह का सामान मैन्युफैक्चर करा के अमेजोन के ऊपर बेचता है। तो ये जो आपके लिए डिजिटल मार्केट प्लेसेस ओपन हुई, आपके लिए सिग्निफिकेंट अपॉर्चुनिटीज क्रिएट हुई हैं डिजिटल वर्ल्ड में पैसा अर्निंग्स करने। सेकेंडली, आप जानते हैं कि हम लोग, यानी कि डॉक्टर है वो टेली हेल्थ यहाँ से बैठ के बाहर दुनिया में दूसरे US में बाकी मुल्कों में एडवाइस दे रहा है। कॉल सेंटर एजेंट्स का हमें पहले पता था, हमें पता है कि हमारे सॉफ्टवेयर इंजीनियर जो हैं वो डायरेक्टली फ्रीलांस करके अपनी सर्विसेज ऑफर कर रहे हैं। तो ये एस्पेक्ट है डिजिटल सोसाइटी इकोनॉमी का। और तीसरा हिस्सा है विच इज़ डिजिटल गवर्नेंस, कि जहाँ पे मैं अपनी सारी गवर्नमेंट सर्विसेज ऑनलाइन एक्सेस कर पा रहा हूँ। मुझे नहीं पता आपकी कितनी उम्र है, मैं 50 साल के ऊपर का हूँ, मुझे वो टाइम भी याद है जब मैं जाके बिल जमा कराने के लिए लाइनों में खड़ा होता था, ठीक है। आज आप में से कोई भी जाके लाइन में नहीं खड़ा होता, तो ये डिजिटल टेक्नोलॉजी की वजह से। तो हमारी ज़िंदगी इन जनरल डिजिटल की वजह से बड़ा सिग्निफिकेंटली इम्पैक्ट हुई है। और एस्टिमेट दुनिया में हमने ये देखा है कि डिजिटल इकोनॉमी की जो कंट्रीब्यूशन है टू योर इकोनॉमी, टू योर ओवरऑल इकोनॉमी, वो बहुत ज़्यादा है। इंडिया के केस में डिजिटल इकोनॉमी की ग्रोथ नॉर्मल इकोनॉमी से 2.5 गुना ज़्यादा है। एक एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूँ, हमने ये भी देखा कि एक मुल्क जो है वो अगर डिजिटल इकोनॉमी की जो दर्जेबंदी है उसमें अगर वो 10 पॉइंट्स इंक्रीज होता है तो उसकी GDP तकरीबन 2.5% बढ़ती है, उसकी जो ओवरऑल एम्प्लॉयमेंट है वो 1.1% इंक्रीज होती है। दैट इज़ फॉर एवरी 10 पॉइंट इंक्रीज इन द डिजिटल इकोनॉमी इंडेक्स, द GDP ग्रोथ इज 2.5% अप्रॉक्सीमेटली दुनिया में, एंड द एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज इज 1.1%। बहुत डायरेक्ट कोरिलेशन है। इसलिए दुनिया के जो मेजर मुल्क ममालिक हैं वो बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं कि इन इंडेक्सेस में अपनी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करें, क्योंकि ये आपकी गुड गवर्नेंस से कोरिलेट करता है। हमने ये डेटा देखा है कि आपकी परफॉर्मेंस ऑन ई गवर्नमेंट इंडेक्स और आपकी कंट्री की जो गुड गवर्नेंस है उसकी एक डायरेक्ट कोरिलेशन है। सही। मैं इस वक्त सऊदी अरब में बैठा हूँ, सऊदी अरब की फिनोमिनल इंक्रीज थी। सऊदी अरब 2022 में 31वें नंबर पर था, उनका सारी तवज्जा, सारा फोकस इसके ऊपर था। इस साल जो रिजल्ट आया उसमें वो 6वें नंबर पे आए हैं दुनिया में। अच्छा, यू हैव टू अंडरस्टैंड कि ये सिर्फ हमें नहीं पता कि डिजिटाइज करना है, सारी दुनिया को पता है,
और सारी दुनिया फोकस भी कर रही है, यानी कि ऐसा नहीं है कि अगर पाकिस्तान ने 14 दर्जे तरक्की की तो ऐसा तो नहीं ना कि पाकिस्तान ने खाली कुछ किया, बाकी दुनिया भी तो कम्पीट कर रही थी तो और बाकी दुनिया भी कोशिश कर रही थी अपनी इसे इम्प्रूव करने के लिए, तो डेफिनेटली समथिंग इज वर्किंग वेल फॉर पाकिस्तान के हम ये देख रहे हैं कि पिछले चंद सालों से, 5-6 साल में भी इवन मोर से, देयर इज अ लॉट ऑफ फोकस, गवर्नमेंट इस चीज़ को रियलाइज करती थी कि हमारा फ्यूचर डिजिटल टेक्नोलॉजी के ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है। सही। हमने एज अ नेशन पिछली जो जिसे हम कहते हैं वेव्स हैं टेक्नोलॉजी की वो मिस, अब ये जो इंफॉर्मेशन वेव है और डिजिटल वेव है ये एक ऐसी वेव है जो हम मिस करना ना तो अफोर्ड कर सकते हैं एज अ नेशन, प्लस हमारे पास इसका मटेरियल यू नो हमारे पास एक सिग्निफिकेंट नंबर ऑफ एजुकेटेड सब कदा कलामी की, मतलब ये जो आप इसमें जो ग्रेजुअल अभी हमने 14 दर्जे की ये बेहतरी सामने आई है, इसमें अगर मजीद हमें बेहतरी लेकर आनी है टॉप 100 या टॉप 50 कंट्रीज में अगर हमें इसमें आना है तो उसके लिए फिर इस वक्त गवर्नमेंट को किस फोकस की, किन स्टेप्स की जरूरत है? चूंकि पिछले दिनों हमने देखा भी कि यहाँ पर इंटरनेट स्लो डाउन हुआ, उसकी वजह से बहुत सारे जो कारोबार थे वो भी मुतासर हुए, वो उस सब से हम ओवरकम कर गए और बहुत अच्छे तरीके से हम आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन जिस तरह दूसरे ममालिक बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ रहे हैं तो उस पेस को पकड़ने के लिए अभी हम कहां लैग कर रहे हैं? सर हमें डेफिनेटली देखें इंफ्रास्ट्रक्चर में डेफिनेट इंप्रूवमेंट करनी है, ये जो आपने कहा पिछले दिनों जो इंटरनेट इशू है सिर्फ ये नहीं था कि हमने इसे रिकवर कर दिया, इसे रिकवर करना बहुत मुश्किल है। क्यों मुश्किल है? क्योंकि हमारी जो आईटी इंडस्ट्री थी, पाशा मिनिस्ट्री, ये लोग इतने सालों से इन्वेस्ट कर रहे थे, एफर्ट कर रहे थे कि पाकिस्तान की परसेप्शन क्रिएट करें कि पाकिस्तान इज वन कंट्री जहां पे आप अपना सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट का बिजनेस दें, और ऐसी परसेप्शन, ये एतमाद, ये कॉन्फिडेंस दुनिया को देने में बड़ा टाइम लगता है, बड़ी मेहनत लगती है, और सिर्फ इस एक वजह से जो ये सारा इंटरनेट का इशू आया वो कॉन्फिडेंस शैटर हुआ। अब उस कॉन्फिडेंस को रीबिल्ड करने में बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है ना, यानी कि आप ये वही बात है कि आप किसी के साथ कारोबार करते हैं, वो एक दफा आपको डिलीवर नहीं कर पाता, आप आइंदा उसके साथ 10 दफा सोचेंगे कारोबार करने से पहले, तो डेफिनेटली इसका एक इम्पैक्ट जरूर है। हाउएवर देयर इज अ फोकस्ड एफर्ट दैट इज गोइंग ऑन। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि डिजिटल एक ऐसा सब्जेक्ट है कि जो ऐसा नहीं कि कोई एक मिनिस्ट्री उसे हैंडल करती है, अगर मैंने यू नो क्योंकि ये अक्रॉस द बोर्ड है, एग्रीकल्चर, एजुकेशन, हेल्थ, पूरी गवर्नमेंट इसमें इन्वॉल्व होती है, तो हमने ये देखा है कि दुनिया की जो टॉप कंट्रीज हैं वहां पे डायरेक्टली प्राइम मिनिस्टर के अंडर एक सुप्रा मिनिस्टेरियल एंटिटी होती है, ठीक, जो कि डायरेक्टली इस डिजिटल को लीड करती है। पाकिस्तान गवर्नमेंट ने इस चीज को रियलाइज किया, पाकिस्तान इस वक्त एक लेजिस्लेशन प्रोसेस से गुजर रहा है कि बहुत जल्दी पाकिस्तान एक कमीशन क्रिएट करने जा रहा है जो कि डिजिटल को लीड करेगा प्राइम मिनिस्टर के अंदर, तो बेसिकली राइट एफर्ट्स इसके ऊपर लेजिस्लेटिव भी किए जा रहे हैं और रेगुलेशंस के ऊपर। आप मिस कर गए कि पिछले हफ्ते ये ई गवर्नमेंट इंडेक्स तो कल परसों आया है, एक हफ्ते पहले यूएन ने अपनी साइबर सिक्योरिटी की रिपोर्ट पब्लिश की कि इन कंट्रीज की साइबर सिक्योरिटी इफेक्टिवनेस कैसी है, और अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान जो टॉप टीयर कंट्रीज थी उसमें, यानी कि उन्होंने टीयर्स बनाए हुए थे, जो टॉप टीयर कंट्रीज हैं पाकिस्तान का नंबर उसमें आया, तो डेफिनेटली देयर इज अ लॉट ऑफ एफर्ट दैट इज गोइंग ऑन। ठीक है, यानी चलें राइट ट्रैक पर इस वक्त हमारी हुकूमत खासतौर पर आईटी सेक्टर को लेकर चल रही है, आने वाले दिनों में इससे मजीद भी हम गुफ्तगू करते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर सुहेल मुनीर साहब हमारे साथ मौजूद थे, और न सिर्फ आईटी की एक्सपोर्ट्स बढ़ रही हैं बल्कि जो माली साल 2023 और 2024 गुजरा उसमें हमने चावल की एक्सपोर्ट को भी बढ़ते देखा और ये 3.9 अरब डॉलर तक पहुँच गई हैं, जहाँ एक तरफ इस वक्त पाकिस्तान का चावल इंटरनेशनल मार्केट्स में एक बार फिर अपनी जगह बना रहा है तो वहीं पर खासतौर पर जो कॉटन है उसकी पैदावार बड़ी हद तक कम हुई है, और अब ये खदशा इस वक्त जाहिर किया जा रहा है कि बड़े पैमाने पर इसको हमें इंपोर्ट करना पड़ेगा, और जाहिर है कि अगर हम इसको इंपोर्ट करेंगे तो इंपोर्ट बिल में हमारे खातिर ख्वाह इजाफा हो जाएगा। इस पूरी सूरत हाल पर हमारे साथ मौजूद हैं मियां उमर मसूद साहब, प्रेजिडेंट हैं पाकिस्तान किसान इत्तेहाद के। बहुत शुक्रिया उमर साहब प्रोग्राम के लिए अपने वक्त निकाला। अब चावल इस वक्त हमारा पूरी इंटरनेशनल मार्केट में जा रहा है और बहुत उसको पजीराई भी मिल रही है और बड़ा रेवेन्यू भी इस वक्त वो जनरेट कर रहा है, आने वाले सालों में शायद और भी इसके इसको फ़रोग मिलेगा, लेकिन ये जो इस वक्त कपास की पैदावार है वो कम से कम होती जा रही है, ये हमें कोई 30 लाख बेल्स के करीब इस वक्त इंपोर्ट भी करनी पड़ सकती है, कितनी ये इस वक्त खदशात से भरी हुई सिचुएशन है? ये सर सबसे पहले तो मैं आपको चावल का बता दूँ कि इस टाइम हम चावल पूरे जो पूरी दुनिया में हमारा चावल एक्सपोर्ट हो रहा है, इवन US हमारा चावल जा रहा है, और जो पहले होता था कि पाकिस्तानी चावल जो है इंडियन नाम से पैक होके दुबई से रीपैक होके आगे जाता था, लेकिन अभी वो सिलसिला खत्म हो गया और पाकिस्तानी चावल की डिमांड दुनिया में क्रिएट हो गई। अब इस साल हुआ ये है कि हमारी पैदावार कम हो गई है, जो हाइब्रिड सीड्स हमें मिले हैं वो जाली थे,
वो गवर्नमेंट ने उनपे चेक नहीं रखा, गवर्नमेंट का जो डिपार्टमेंट है उसने बिल्कुल उसको ना देखा तक नहीं है, उन्होंने सर्टिफाई कर दिए गलत सीड जो थे, उसकी वजह से ये हुआ कि हमारी चावल की जो पैदावार थी वो कम हो गई। और दूसरे नंबर पे अभी भी हमें पूरी दुनिया से डिमांड है, लेकिन चावल का रेट जानबूझ के एक्सपोर्टर्स, चंद एक्सपोर्टर्स जो हैं उन्होंने जानबूझ के पाकिस्तान में चावल का रेट गिरा दिया है। अच्छा। और इस पर अदरवाइज पूरी दुनिया से अभी भी डिमांड आ रही है पाकिस्तान में। और दूसरे नंबर पे ये हो रहा है कि जो कॉटन की आपने बात की है, तो कॉटन का बेसिक मसला जो है कोई भी उस पर तवज्जा देने को तैयार नहीं है कि कॉटन का हमारे पास सीड ही नहीं है। वो जो 90s में हमारे पास बोलगार्ड 1 सीड आया था, हम उसे शक्लें बदल बदल के यूज कर रहे हैं, उसके अलावा हमारे पास कोई चीज नहीं है। और हमारा जो वो पेस्ट रेजिस्टेंस थी उस सीड की, उसका लाइफ जो है वो बाकी सारी चीजें खत्म हो चुकी हैं, लेकिन हमारे पास ना कोई टेक्नोलॉजी है, और हमारे अफसोस रिसर्च के इदारों पे कि उनकी भी कोई कारकर्दगी नहीं है। हमारा जो सीड है लोकल वो पेस्ट रेजिस्टेंस नहीं है, उनमें पैदावार नहीं है उनकी, और बिल्कुल कॉटन के बुरे हालात हैं। और तो मैं साहब जिस सीड की आप बात कर रहे हैं ये सर, इसको इस सीड को नहीं कहीं इंपोर्ट किया जा सकता, ये टेक्नोलॉजी नहीं कहीं से सर, ली जा सकती? बिल्कुल टेक्नोलॉजी खरीदी जा सकती है, इम्पोर्ट किया जा सकता है, लेकिन सर जानबूझ के नहीं किया जाता और ये मुल्क का नुकसान किया जा रहा है। और दूसरे नंबर पे ये जो आप देखे ना, हमारे इतने बड़े बड़े रिसर्च इंस्टीट्यूट है, वो क्या कर रहे हैं, इस मुल्क को क्या दे रहे हैं? वो कभी कोई उनसे ये सवाल नहीं करता कि आप इतने बड़े बड़े रिसर्च इंस्टीट्यूट हैं, उन्होंने इस मुल्क को क्या दिया है? सही, तो अब ये बताइएगा, ये जिस बीच की आप बात कर रहे हैं, ये 34 साल पहले जब पाकिस्तान आया तो 34 साल में इसको मेंटेन नहीं किया गया, इसकी जो शेल्फ लाइफ थी उसका नहीं ख्याल रखा गया कि कितने अरसे तक ये पाकिस्तान में काबिल इस्तेमाल रहेगा? सर बेसिकली ये जो हाइब्रिड सीड होते हैं ना, या GMO टेक्नोलॉजी है, ये बोलगार्ड 1 जो है, इनकी एक लाइफ होती है, और जब इनकी लाइफ खत्म हो जाती है तो फिर वो नई टेक्नोलॉजी अपनी लॉन्च कर देते हैं, उसको अपग्रेड करते रहते हैं, लेकिन हमारे पास जो वो पहला आया था वही चल रहा है और अभी तक उसी तरह चल रहा है। और दूसरी तरफ से अगर आप गवर्नमेंट का रवैया देखें तो गवर्नमेंट क्या कर रही है कि पिछले साल इन्होंने जो रेट अनाउंस किया था उस रेट पे हमसे कॉटन नहीं खरीदी, उस रेट से अंडर बिकती रही। हमेशा से काश्तकार के साथ यही हो रहा है कि जब फसल आती है उस वक्त फसलों के रेट गिर जाते हैं और उसके थोड़े दिन बाद ही और उन फसलों के रेट जो है दुगने तिगने हो जाते हैं। अच्छा। तो होता ये है कि मोनोपोली है चंद लोगों की, मार्केट्स को कंट्रोल करते हैं, सरमायादार तबका जो है वो अवाम को भी लूट रहा है इस मुल्क की और किसान को भी। तो मैं जो जेरे काश रकबा कपास का कम से कम होता जा रहा है, हर साल ही इसमें कमी आ रही है, तो ये इसकी भी यही वजूहत है कि अब बड़े रकबे पर कपास की काश नहीं की जा रही है? जी बिल्कुल सर, ये देखे ना आप, मुल्तान के साथ हमारे एक बहुत बड़ा आम मैंगो ऑर्चर्ड था पूरा, और ये बड़ा फेमस, पूरी दुनिया में हमारा आम जाता है, और वो DHA ने सारी उस पर कॉलोनियां बना दी। इसी तरह आप देखें कि कितने जरई रकबे हैं जिन पे कॉलोनियां, कोई कानून साजी है ही नहीं ना। अगर हम अपने मुल्क को जरई सोना उगलने वाली जमीनों को पत्थरों में कन्वर्ट करते रहेंगे तो फिर ज़राअत तो आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो जाएगी ना। तो अगर हम इन अपनी सोना उगलने वाली जमीनों की हिफाजत नहीं करेंगे, कोई कानून साजी नहीं करेगा, इस तरफ कोई सोचेगा नहीं, तो फिर ये मुल्क की तबाही होगी। सही, चलें, बहुत बहुत शुक्रिया मियां उमर मसूद साहब, सदर पाकिस्तान किसान इत्तेहाद हमारे साथ। नाज़रीन की आपने सुनी, इसी के साथ आज के प्रोग्राम से इजाजत दीजिए, अल्लाह। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।